bless you. लोग अपन नीचे बैठ गए थे चाय पीने के लिए, हम लोग ऊपर वेट कर रहे हैं, लोग नीचे बैठ के स्टोर कर रहे थे। ओए गुड़िया आ गई टू यू, हैप्पी बर्थडे। बहुत दिनों बाद चाचा कर रहे हैं, चा 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 चा। ऋषि को समझ में नहीं आ रहा कि इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों पापा। ऋषि डांस रशियों को खा जाऊंगा। आज तो नए नए कपड़े पहन के आज छठी का हैप्पी बर्थडे है, तो जा भाग लो मम्मा के पास जाओ। रशियों पापा आ रहे हैं अभी बेटा। ओहो रोने लगी। अभी बज गया सुबह के 11:10। नमस्ते दीदी, हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि जब मेरे को, आपने पुराना ब्लॉग देखे होंगे लॉकडाउन 1 के, मेरे को हो गया था बुखार कानपुर में, उसी टाइप का बुखार थोड़ा थोड़ा शायद वापस आ रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा, पम पम करेगी, आ जा मेरी गाड़ी में बैठ जा, पम पम करेगी, पम पम चला जा। अरे चुट्टो जल गई बे, इतना गर्म है, कैसे बैठेंगे भाई। अरे मोटे आराम से बैठियो, मैं तो ऐसे खड़ों को चला दूंगा आज। बैठ जा अभी पता चलेगा चलेगी तो। ओए होए मजे आए। तो सुबह सुबह ऋतु का कॉल आना था 11 बजे, और डॉक्टर 12 बजे उठ जाता है, तो उसने मेरी डांट लगा दी कि तुम काम करते रहे तो काम करते रहे। मैं मेरी क्या गलती है भाई इसमें, ज्यादा ही खींच गया मोटे, लॉकडाउन लॉकडाउन नहीं। ओए ले बंद है, हो गया काम बंद, क्यों किया मैंने, गेट नंबर 11 भी बंद है, पूछते हैं उसको। भाई साहब ये खुलता नहीं है क्या, कब तक बंद रहेगा? अरे जब से लॉकडाउन से बंद ही है, मतलब 25 मार्च से बंद है। अच्छा सिक्योरिटी वाले होता क्या लग रहा है कि हम अपना दरवाजा बंद कर देंगे तो लोग शायद घर में रहे। कुछ लेना अंकल यहाँ से, ब्रेड खत्म हो गई है, ब्रेड ब्रेड से काट लूँ अंदर, यहाँ से मिल जाएगा रास्ता क्या बेटा? यहाँ से कहाँ से जा रहे हो पता? मैं ढूंढ लूंगा, चलो ढूंढ। हाँ बेचारी के कपड़े नहीं है। एक्चुअली पहले क्या था कि रशि को इतने लोग आते थे मिलने, कभी मीटअप हुआ कभी कहीं गए मिलने में, तो रशि को कोई ना कोई कुछ दे देता था, तो हमने आज तक रशि के कपड़े लिए ही नहीं। जैसे लॉकडाउन है तो रशि के कपड़े सारे छोटे हो गए, टी शर्टें छोटी, पजामे छोटे। भाई देख लो जो ट्रैफिक जाम लग गया लॉकडाउन में यार, उनका तो सड़कों पर ट्रैफिक नहीं है भाई देख। और यार पान भी तुम्हारा खुल गया देख, लॉकडाउन 4 में खुला पता नहीं तू, लॉकडाउन से कुछ लेना है बर्तन वर्तन लेना है, यार मिट्टी के बर्तन लेना है कुछ, वापसी में ले लेंगे चाहे तो। भीड़ बहुत है भाई, अरे भाई सब बीमारी हो रहे क्या आजकल? हाँ चल इंस्टाग्राम यूट्यूब टोल वो करेंगे और क्या, मैं तो कहता हूँ मैं यहाँ से वो कर लेता हूँ यूट्यूब लाइव, फिर लोग सुपर चैट दे देंगे, अपना ट्रैक्टर का खर्चा निकल आएगा। तो मैं नाम लिखवा गया था, मास्क पहनो, यहीं रहना, किसी के क्लोज में जाना ठीक है, नहीं जाऊँगा। तो छोटा मास्क आ नहीं रहा देखो, यहीं तक आता है, यहाँ से खींचूंगा तो ये वाला कान दर्द होता है। ओए दरबारी इधर आओ, क्या समाचार लेके आए हो? 15 नंबर चल रहा है अपना, 25 है। हमें लगा तो हम तुम्हें अपने आभूषण देंगे, लेकिन तुमने खबर ऐसी थी कि हम तो तुम्हारा मास्क भी ले लें। तो आप भी दिखाता जरा, दिखाता अपने, पर आपके इधर अंधेरा आ रहा है, कान देखो अपने कैसे हो रहा है। अरे इतना छोटा मास्क है बेटा ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये हो गई तेरी बातें। एक सेकंड मास्क दीजिए भाई साहब, तेरा पूरी लिपस्टिक यहाँ से लेके गाल में लग गई है। आए मजे ज्यादा पाए थे, आए थे 15 नंबर है गसी अपना, उनके ना 18 नंबर है। चल अपा फिर मैं इंस्टाग्राम लाइव जा रहा हूँ ठीक है? मैं नहीं जा रहा। तू नहीं जाएगी? फिर मेरे से शॉर्ट आउट ना मांगे फ्री के फालतू में। तो भैया रियल कनेक्शन वही होता है, भुंडी शक्ल से तो कनेक्ट करो आप, मेकअप करके तो सब भी करते हैं। कौन सा नंबर है? 21 पहुंचा अभी तक, तो मेरी किस्मत कितनी माड़ी है, इतनी धीरे धीरे चल रहा, मतलब हर पेशेंट पूरा अपना टाइम ले रहा है, आधा आधा घंटा। जब मेरी बारी आई ना मेरे को डॉक्टर 5 मिनट में चलता कर देता है, फिर मुझे लगता है मेरा लॉस हो गया। हमेशा ऐसा होता है, सब भी होता है सेम विद मी। मुझे जब वो भेजता ना कि जॉब का हो गया, मैं कहता हूँ सर थोड़ा टाइम और बैठे तो प्लीज, बहुत पैसे दिए हमने। बिजी है, बहुत बिजी है ना, मेरे को बस मेरी बेइज्जती करने के अलावा कुछ काम है। कहती है मैं खाली बैठी हूँ, मैं किससे बात कर सकती हूँ? मैंने कहा तेरे सामने एक बंदा बैठा है वो भी खाली है बिल्कुल, ट्राई टॉकिंग टू हिम। परेशान हो गया 4 साल से तुझसे बात कर करके, चुप रही हूँ एक बार ठीक है? शादी के बाद से चुप हूँ 4 साल से मैं, मेरे को प्यास लग रही है, अगर तू अब नहीं आया ना मैं सैनिटाइजर पी जाऊंगा अपना, मिल जा। हाँ चश्मा तेरे सर पे ही था, वो कहते मैडम हमको सिर पे।
एक घंटे से चश्मा कहाँ गया, चश्मा कहाँ गया, मुझे नोटिस ही नहीं किया बेटा। चलो भाई बैठो, फीस बड़ी महंगी डॉक्टर की है, पूरे डबल देता हूँ जितने कानपुर के रेट हैं। सो गाइस बात अभी ये है कि डॉक्टर ने हमें बहुत सारे टेस्ट लिख दिए और कह रहे हैं कि टेस्ट के बिना मैं आपको दवाई नहीं दूंगा और पूरा डायग्नोस करके दवाई दूंगा, क्योंकि अगर आपको 10 दिन के ऊपर, तो मेरे को सिम्टम्स पूरे वैसे वैसे हैं जैसे मेरे को कानपुर में सिम्टम्स आ रहे थे। डॉक्टर कहता है कि अगर आपको 10 दिन के ऊपर फीवर है तो वो वायरल नहीं है, पहले मैं डायग्नोस करूँगा उसका। आइए मैं आपको थोड़े से मोटो व्लॉगिंग के मजे देता हूँ, ये आवाज़ सुनिए इस मशीन की। ये बगल में अपना तिहाड़ जेल है पूरा, बहुत ही बड़ा। मैंने सुना था कि जेल में से भी कैदियों को रिहा कर रहे हैं। भाई साहब इन भाई साहब को देखो, पूरा बैक स्ट्रेट करके बैठे हुए। सो हम लोग आ चुके हैं अभी अपनी चेकअप कराने। इतना घटिया मास्क है देखो, मेरे एक कान की हालत देखो, मेरे इस कान की हालत देखो, और ये मेरी आंखों में घुसता रहता है ये मास्क। इतना परेशान हूँ मैं इस घटिया मास्क से, एकदम बेहुदा इन 200। रशि का केक आ गया। रशि मम्मा केक खा जाएगी आपका, ऐसे मम्मी को देखने मत दो। बच्चे को पाल पोसे किसने बड़ा किया, हमने अभी तक 2 साल का किया हमने, टटिया धोई उसकी, सुसु पोटी धोई, तो उसके केक से थोड़ा सा खाने का हमारा हक नहीं बनता? थोड़ा सा किनारे से नहीं, नहीं वो चॉकलेट का था सर, जिसके एक बार सेंड बाय रोजियट, मैंने रोजियट का वही निकाल के खा लिया है ना, चॉकलेट है प्योर। थैंक यू गाइज फ्रॉम रोजियट। सो वी आर गोइंग फॉर टेस्ट नंबर 2, क्योंकि हमारा जो डॉक्टर है उसने कहा सारा चीड़ फाड़ कर दूंगा लेकिन तुम्हारे मर्ज का अंदर तक घुस के जाऊंगा और निकालूंगा कि तुम्हें बुखार क्यों आता है बार बार। सो वी आर बैक। फोटो नहीं खींचना, मोबाइल खराब हो जाएगा। नहीं नहीं अभी अभी खींच रहे थे सब। घोड़े वाले इंजेक्शन डाल दिए अंदर भाई, पहले उन्होंने ऐसे टेस्ट किया फिर उसके बाद इंजेक्शन लगाया, और इतने मोटे लिटरली इतने मोटे मोटे इंजेक्शन उसमें डाई होती है डाल के वेन में आपके, ताकि वो दिल में पहुंचे, वो देखते हैं कि फिर दिल साफ है कि नहीं इसका दिल साफ है। मैं मैंने तो फिल्मों में देखा है इतनी मशीन में लोग जाते हैं, आज तो मेरे थोड़ी सी फटी। तो आप अंदर गए थे गोल गोल के? अंदर पूरा अंदर चला गया था भाई, रानी मुखर्जी वाली फील आ रही थी, जब वो हर दिल जो प्यार करेगा मैं जाती अंदर हूँ, मुझे लगा मेरा सलमान खान भी आएगा, ऐसे ऐसे वाला गेम करेगा। कैसे क्या करें? मुझे लग रहा था कि ना हमें यहाँ कई लोगों ने पहचान लिया, तो मुझे लग रहा था पहचान कैसे रहे हो, हम तो मास्क लगाए हुए हैं और मैंने भी पूरा मास्क लगाया इसने, तो लोग पहचान कैसे रहे? फिर किसी ने कहा सर आप जो टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं ना, ये बड़ी वाली प्यार दिखा रहे हैं। जान मेरी आज आपका क्या है? आगे बर्थडे, ब्रावो। शुरू करें तैयारी हम रशि के बर्थडे की, चलो आ जाओ भाई। बर्थडे वो ऐसे गुब्बारों में मुंह से भरेंगे। रितु अपनी बेइज्जती 200 हो गई यार, वो गुब्बारा में लिखा हुआ है हैप्पी फर्स्ट बर्थडे यार, क्योंकि पिछले साल गया ना वो। अब क्या करें, उसको पेन से 2 कर दें क्या? कर देंगे, चलो मार्कर है अपने पास। ये देखिए गाइस बेइज्जती 200। रशियो तुमने 4 में से 3 गुब्बारे ठा कर दिए बेटा, ये देखो ठा हो गया देखो। पुला पुला रशि, पुला पुला। रशु रेडी हो गया? ए रशु दिखा तो दे। अरे आए लिपस्टिक भी लगाएगा आज क्या? रशु कितना अच्छा लग रहा है। चलो रेडियो चले पार्टी करेंगे पार्टी। बोले चूड़िया बोले कंगना, हाय मैं हो गया। आ गई भाई हमारी परी तैयार होके आ गई थी। अरे यार चाबी है।
सब पता नहीं है उसको। हैप्पी बर्थडे टू कायरा, हैप्पी बर्थडे टू यू टू कायरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। किसकी बारी ये देखो रशु। अरे ये पूरा हारेगी।